गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग की फिफ्थ क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क सॉल्व करने के लिए दिया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 4 और 5 उसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में पेज नंबर 2.96 पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 1000 इक्विटी अंश जनता को प्रस्तावित किए, जिन पर राशि निम्न प्रकार दी थी। 1000 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, इशू करना चाहती हैं, उस पर अमाउंट किस तरीके से उन्होंने ड्यू कर रखी है कि फर्स्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो है एप्लीकेशन, तो 50 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम। कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर रही है। 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन अमाउंट मंगवाई है, जिसमें कि 10 प्रीमियम का इंक्लूडेड है। ओके, बंटन पर 30 रुपये यानी कि अलॉटमेंट पर ₹30 एंड ₹30 ऑन कॉल प्रथम मांग है यह आपकी, और ये अंतिम भी होगी। क्यों, ये फर्स्ट भी है फाइनल भी है, बिकॉज ₹10 पर शेयर का प्रीमियम है और 100 का शेयर है, देन 110 रुपीज़ आपको टोटल लेना होता है। 50 आप एप्लीकेशन पर ले रहे हो, 30 सेकंड सॉरी अलॉटमेंट पर ले रहे हो, 30 फर्स्ट कॉल पर ले रहे हो, तो 110 हो गया ना। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगा। ओके, इसके बाद बोल रहे हैं कि 3000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। कंपनी ने कितने इशू करने थे, 1000, एप्लीकेशन मिली 3000 के लिए, दैट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन अभिदान वाला केस हो गया। ओके, 1000 अंशों के प्रार्थियों को कोई बंटन नहीं किया गया और उनके आवेदन राशि लौटा दी गई। 1000, मैंने कहा था ना कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो क्वेश्चन में आपको बोला रहेगा कि आपको ये एक्सेस जो एप्लीकेशन आ गई ना उसके लिए करना क्या है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 1000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट रहे ना उनको तो रिजेक्ट देना है, 100% रिजेक्शन है यहाँ पर, और उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना है। तो एक बात और ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला गया हो कि 1000 शेयर्स के होल्डर्स को कोई मतलब 1000 शेयर के एप्लीकेंट्स को मना कर दिया गया या उनके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया, तो ऐसे केस में रिफंड हमें बिना कहे करना है। क्यों, क्योंकि अगर आपने किसी को एक भी शेयर नहीं दिया है तो ऐसे केस में आप उनका पैसा रखने के लिए भी अधिकारी नहीं होते हो। तो जिनको 100% रिजेक्शन मिला है उन पर्सन्स को उनका एप्लीकेशन मनी भी रिफंड होगा ही होगा। तो इन 1000 शेयर के एप्लीकेंट्स को करना क्या है, रिफंड कर देना। ओके, शेष को यथानुपात बंटन किया गया, प्रोरेटा बेसिस पे अपने को क्या करना है, बाकी का अलॉटमेंट करना है। प्रविवरण में वर्णित निर्गमन की शर्तों के अनुसार आवेदन राशि की पूर्ति करने के पश्चात प्राप्त रोकड़ को बंटन तथा मांग की राशियों के समायोजन के लिए रोका गया। जनरली क्या होता है कि जब आपको एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है, एक्स्ट्रा मिलेगी किसी, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, जैसे किसी ने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, आपने उसको सिर्फ 30 शेयर्स इशू किया, 70 शेयर्स इशू किए, तो रिमेनिंग जो शेयर्स पर एक्सेस आपको पैसा मिल गया ना उसके लिए आपके पास क्या रहता है कि या तो आप रिफंड कर दो। जनरली रिफंड किया नहीं जाता है, अलॉटमेंट के लिए रोक लिया जाता है कि अलॉटमेंट पर हम आपसे वापस भी तो पैसा मांगने वाले तो उतना कम मांग लेंगे, रिमेनिंग आप पे कर देना, तो अलॉटमेंट तक तो रोक के ही रखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी आप उसको रोक के रख सकते हो तभी हम रोकते हैं, यहाँ बोला गया इस क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट एडजस्ट करना है उसके बाद भी मांग की राशि के लिए यानी कॉल तक भी आप अपने अमाउंट को रोक कर रख सकते हो, एक्सेस मनी को रोक कर रख सकते हो। ये लाइन नहीं होती है तो हम एक्सेस मनी को सिर्फ अलॉटमेंट तक रोक कर रखते, फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो उसको हम बिना कहे रिफंड कर देते। ओके, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, एक्सेस मनी जो बचा हुआ है उसको अलॉटमेंट में भी यूज लेना है, फिर बच भी जाए तो फर्स्ट कॉल में भी यूज लेना है। ठीक है, एक्स है जिससे कि 100 अंशों का आवंटन किया गया था, आवेदन के अलावा कोई राशि नहीं चुकाई, मतलब ना तो अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया, निर्गमन पूरा हुआ और शेष राशियां आपको देय होने पर मिल चुकी है। एक्स के जो 100 अंश हैं वो जब्त कर लिए गए और ₹50 पर शेयर के हिसाब से वाई को पूर्ण प्रदत्त रूप में पुनर्निर्गमित कर देगी। ठीक है, एक्स के पास 100 शेयर है, उसने पैसा नहीं दिया, किसका नहीं दिया, तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो उसका शेयर्स को क्या कर लिया कंपनी ने, फोरफिट कर लिया, फोरफिट करके रीइशू कर दिया वाई को ₹50 की रेट पर। ओके, रीइशू फोरफिट बाद में करेंगे, पहले इशू से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को करते हैं। तो यहाँ आप मैं एक चीज़ नई आपको बताने जा रही हूँ, एक नई टेबल मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है, इसको समझिएगा कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, मोर देन वन कैटेगरी हो, मोर देन वन का मतलब यहाँ जैसे 3000 एप्लीकेंट्स हैं ना, सीधा बोलते कि इन सबको प्रोरेटा बेसिस पे कर दिया, कहीं कोई टेबल बनाने की नहीं, नहीं। लेकिन इस 3000 की इन्होंने 2 कैटेगरी कर दी, एक तो 1000 एप्लीकेंट जिनको 0 शेयर मिले, दूसरा 2000 एप्लीकेंट जिनको 1000 शेयर मिले। 1000 कहाँ से, तो कंपनी 1000 से ज़्यादा तो इशू कर ही नहीं सकती, तो उनको 1000 शेयर मिले, तो 2 कैटेगरी हो गई ना। तो ऐसे केस में हम टेबल बना लेना तो अपना काम ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। इस टेबल को मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बनाना सिखाती हूँ कि बनाएंगे कैसे। तो ये टेबल ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इतनी लंबी चौड़ी बने,
छोटी भी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कैटेगरी लिखेंगे। यहाँ आपको कैटेगरी के नाम नहीं दे रखे कि ए बी सी डी, तो हम अपने हिसाब से 1 और 2 डाल दिया। अगर नाम दे रखे होते कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो उस हिसाब से हम लिख देते। तो कैटेगरी हमने लिख दी, 2 कैटेगरीज हमारे पास है। कौन सी कौन सी? तो सेकेंड कॉलम जो हमारा आएगा वो आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, यानी वो अंश जिनके लिए आवेदन प्राप्त हुआ या जिनके लिए आवेदन किया गया। तो कितनों के लिए आवेदन किया है? इन लोगों ने 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, इन्होंने 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया। हम नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहे हैं, ओके। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलोटेड, कितने शेयर्स अलोट किए। तो इन 1000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो कुछ भी नहीं दिया, 0, nil। और जो रिमेनिंग है उनको आप मैक्सिमम दे कितना सकते हो? 1000 शेयर्स अलोट कर सकते हो। या हमने 1000 लिख दिया, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। तो यही तो हुआ है, 3000 टोटल अप्लाइड हुए जिसमें से 1000 आपने अलोट किए। अब हम पैसों पर आ जाते हैं, मनी एंट्रीज तो मनी से ही होगी। एंट्री करते हैं एप्लीकेशन मनी आपको मिला कितना। देखो 50 पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन है, तो हमें 50 पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स पर कितना एप्लीकेशन मनी मिल जाएगा? 50,000। और इसी तरह 2000 शेयर्स पर 1 लाख। तो टोटल एप्लीकेशन मनी हमारा रिसीव कितना हो गया? तो ये हमारा टोटल हो गया 1,50,000। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि कैपिटल में सिर्फ उतना ही ट्रांसफ़र होगा जितना कि आप इशू कर रहे हैं, और इशू आप कितने कर रहे हो? 1000 शेयर्स। तो 1000 से रिलेटेड एप्लीकेशन मनी ही आपकी कैपिटल में अभी ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो ट्रांसफ़र टू कैपिटल कितना होगा? ये 1000 शेयर्स ₹50 पर शेयर के हिसाब से 50,000। फिर आते हैं आगे, हमारा कॉलम बनता है रिफंड का और एक्सेस मनी का। तो रिफंड, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 1000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे जिनको कि आपने कोई शेयर इशू नहीं किया, उनको हैंड टू हैंड आपको रिफंड देना है। देन उनका अमाउंट मिला कितना? 50,000। 50 का 50 हमने क्या कर दिया? रिफंड दे दिया। समझ में आई चीज़? तो इस तरीके से हमें टेबल को बनाना है, ईजिली समझने वाली चीज़ है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी लिखी हमने, देखा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने, कितने के लिए एप्लीकेशन दी, कितने अलॉट किए। अब जितने के लिए एप्लीकेशन मिली उसके हिसाब से एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हुआ होगा, लेकिन ट्रांसफर कितना होगा? सिर्फ अलॉटेड के हिसाब से। उससे ज़्यादा तो हम कैपिटल में ट्रांसफर कर नहीं सकते। और रिफंड अगर करना है तो रिफंड का एक कॉलम बना दो। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सेस मनी। एक्सेस मतलब आधिक्य की राशि अब आपके पास है कितनी। देखो यहाँ तो कोई एक्सेस बचा नहीं, क्यों? क्योंकि 50,000 रिसीव हुआ, 50,000 रिफंड कर दिया, केस खत्म। अब आगे के कॉलम्स में इसका तो कोई अमाउंट आने वाला है नहीं। सेकंड कैटेगरी में हमें 1 लाख मिला था ना, उसमें से 50,000 हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, रिमेनिंग 50,000 हमारी एक्सेस मनी है, आधिक्य की राशि है। एक्सेस हमने लिख दिया 50,000। अब अलॉटमेंट करेंगे ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू होगा, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट ₹30 पर शेयर के हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया, बोला हुआ है अलॉटमेंट भी 30 है, फर्स्ट एंड फाइनल कुल भी 30 है। तो अलॉटमेंट ₹30 के हिसाब से ड्यू करेंगे। कितने शेयर्स पर ध्यान रखना, फर्स्ट वाला जो कॉल ये वाला है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड वाला कॉलम, ये सिर्फ यहीं काम आता है, इसके बाद कहीं काम नहीं आने वाला। आगे की सारी एंट्रीज इस कॉलम से होती है। अभी तो यहाँ एक ही कैटेगरी है, एक ही बचा है, मतलब 2000 भी हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड वाले कॉलम से सारी अमाउंट्स आगे हमारी आएगी। अलॉट कितने किए? 1000 शेयर्स, ₹30 पर शेयर का अलॉटमेंट, या 30,000 का अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। एडजस्ट, अलॉटमेंट को क्या करेंगे हम? एडजस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है ना, हमें जनता से लेने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस में पड़ा हुआ है। कितना? तो हमारे पास 50,000 एक्सेस है, लेकिन हमें अलॉटमेंट कितना चाहिए? सिर्फ 30। देन एडजस्ट कितना करेंगे हम? सिर्फ 30, रिमेनिंग 20 फिर एक्सेस। सिंपल, ये एक्सेस यहाँ पर रिफंड हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको कॉल्स का भी एडजस्टमेंट करना है, दैट्स वाई हमने रिफंड नहीं लिखा, इसको एक्सेस लिखा। फिर आगे आएगी फर्स्ट कॉल ड्यू, ये भी ₹30 के हिसाब से 30,000। फिर एडजस्ट, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेस अब कितना बच रहा है? 20। तो 30 में 20 तो एडजस्ट हो ही जाएगा। रिमेनिंग 10,000 इज टू बी रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। किससे रिसीव करनी है? अपने शेयर होल्डर से रिसीव करनी है। समझ में आएगी चीज? तो ये बहुत सिंपल सी आपकी टेबल है, हम अपनी लैंग्वेज में, और बहुत सिंपल तरीके से इसको आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमारी जो टेबल है वो यहाँ तक, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक जाए, ज़रूरी नहीं है। जैसे ही हमारी एक्सेस मनी खत्म होती है, अलॉटमेंट के बाद खत्म है, बोल दिया क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद रिफंड, तो अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्ट, रिफंड, खत्म चीज। आपको बोल दिया कि अलॉटमेंट के बाद भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्सेस मनी है ही नहीं, या फिर अलॉटमेंट के लिए कम पड़ रही है एक्सेस मनी, तो जहाँ पर भी ये टू बी रिसीव्ड वाली चीज़ आ जाएगी ना, या फिर लास्ट में रिफंड आ जाएगा, वहाँ हम अपनी टेबल को एक बार क्लोज कर देंगे। तो हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी लंबी टेबल बनाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे तक इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करना था ना एक्सेस मनी को, इसलिए मैंने इस टेबल को यहाँ तक बना दिया। अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन में अपनी टेबल अलॉटमेंट के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो ये तो हमारी टेबल किस लिए बनाई? ताकि हमें इजी रहे और समझाने, इनके चीज़ों के लिए हमें एक एक के लिए नोट नहीं लिखना पड़े, इसलिए हमने एक टेबल बना दी। अब हम आगे करते हैं जर्नल एंट्रीज हमारी स्टार्ट। एंट्री नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव। सबसे पहले होगा क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड।
1,50,000। इस टेबल को बनाने से क्या आपको अमाउंट्स लिखने में बहुत ईजी रहेगा, आप जब एंट्रीज करेंगे ना तो अमाउंट बहुत ईजिली आप लिख पाएंगे। एंट्री क्या करी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 1,50,000। फिर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में भी ट्रांसफर करना है और एक काम हमें करना है कि रिफंड भी करना है, उसमें से कुछ अमाउंट ये 1,50,000 मिला ना उसमें से 50,000 रिफंड करना और 50,000 कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो दोनों की मैंने क्या कर दिया, कंबाइंड एंट्री कर दी। होगा कहाँ से, एप्लीकेशन से 50-50, 1,00,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये से कर दिया, 2, एक तो रिफंड है, 2 बैंक होगा, उसके अलावा 50,000 कैपिटल में ट्रांसफर करना है। लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान यहाँ पर ये रखना है आपको कि उस 50 के अंदर 40 कैपिटल है, 10 तो किसका है, प्रीमियम का है, बोला हुआ ना ₹50 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹10 ऑफ प्रीमियम। देन हमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो पूरा डेबिट किया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 शेयर्स पर ₹40, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,000 शेयर्स पर ₹10 एंड 2 बैंक कितना रिफंड, ये क्या है आपका रिफंड है, यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको, ये क्या है रिफंड है, कितना 50,000। इस तरीके से हमने कंबाइन एंट्री कर दी। दो अलग अलग एंट्री भी की जा सकती है, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम ये 50,000 40-10 से हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन टू बैंक ये रिफंड की 50,000 से अलग एंट्री भी की जा सकती है। एप्लीकेशन का काम का तो अब आती है हमारी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू होगा कितने से 30,000 से, एंट्री क्या करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्री करी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से हम एडजस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है 50 का और 30 तो एडजस्ट हो ही जाएगा। देन एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में अभी भी बैलेंस पड़ा है, देखो एप्लीकेशन को हमने 150 से क्रेडिट किया, डेबिट अभी तक सिर्फ 1,00,000 से किया, 50,000 एक्सेस मनी एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर अभी भी क्रेडिट हो रखी है, तो उस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और क्रेडिट किस में कर देंगे, अलॉटमेंट के अकाउंट में, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो एंट्री हमारी हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से, 30,000 से, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ 30,000 से, तो हमने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट वाली एंट्री कर दी। अब इसके बाद हम करते हैं जनरली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में उस एंट्री की नीड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने 30,000 का अलॉटमेंट ड्यू किया, 30 पूरा एडजस्ट हो गया, देन आपको रिसीव करना क्या है, नो, कुछ भी रिसीव करना ही नहीं है, फाइन। आगे हम आ जाते हैं हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। तो नॉर्मल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹30 के हिसाब से 30,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी एडजस्ट करेंगे, पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितनी एक्सेस मनी उतना तो एडजस्ट करेंगे ना। तो एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना एडजस्ट हुआ, 20,000, रिमेनिंग 10,000 इज टू बी रिसीव्ड, ये हमें रिसीव करना है। अब आते हैं क्वेश्चन में बोला हुआ कि मिस्टर एक्स हैं, उनके पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी के अलावा कुछ भी नहीं दिया, अलॉटमेंट भी तो नहीं दिया था, तो हमने वहाँ अरियर का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया, तो क्योंकि उनकी कुछ मनी तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो अलॉटमेंट तो जब पूरा एडजस्ट हो गया, कुछ लेना ही नहीं था, तो हमने मिस्टर एक्स से भी नहीं मांगा। लेकिन हमें फर्स्ट कॉल तो लेनी थी, भले हमने थोड़ा पार्ट हमने एडजस्ट कर लिया लेकिन रिमेनिंग तो हमें लेना ही था ना, वो मिस्टर एक्स ने नहीं दिया, तो वो नहीं दिया तो हमारा कॉल इन अरियर रहेगा। अब कॉल्स इन अरियर हम निकालेंगे कैसे, तो मैंने नोट बनाया हुआ है कॉल्स इन अरियर का, ध्यान रखिएगा कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो, एक्सेस मनी हो और फिर कॉल्स इन अरियर हो, तो लगभग इसी तरीके से हर क्वेश्चन के अंदर हमें कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकालना है। टेबल वाला क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो ध्यान रखना है चीज़ें हमें कैटेगरी वाइज करनी है, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही कैटेगरी और फर्स्ट वाली तो वैसे ही खत्म हो गई क्योंकि उनको रिफंड कर दिया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3-4 कैटेगरीज दे रखी हो और 2-3 कैटेगरी में उनमें से 3-4ों में सब में अलग अलग कॉल्स इन अरियर हो, तो हमें कैटेगरी वाइज अमाउंट और शेयर्स का ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी के कितने शेयर्स अलॉटेड है, उनकी एक्सेस मनी कितनी है, उसके हिसाब से हमें कॉल्स इन अरियर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे, तो सबसे पहले अभी हमें पता है कि 100 शेयर्स है उन पर आपकी कॉल इन अरियर है, कौन सी कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट तो आपका फुल्ली एडजस्टेड है। देन हमने फर्स्ट कॉल के लिए अरियर निकाला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 100 शेयर्स एट ₹30 पर शेयर, कितना ड्यू किया हमने, 3,000 रुपये का माइनस एडजस्टेड, एडजस्ट तो किया ही है ना, कितना किया, तो यहाँ ध्यान रखना कैटेगरी वाइज चीज़ें कैसे करते हैं, ₹20,000 एडजस्ट किया 1,000 अलॉटेड शेयर्स पर, ₹20,000 एडजस्ट किया 1,000 अलॉटेड शेयर्स पर, तो 100 अलॉटेड शेयर्स पर कितना होगा, तो 20,000 अपॉन 1,000 इंटू 100, तो ये होगा 2,000, तो 3,000 लेना था, उसमें से 2,000 तो उनके एक्सेस मनी ऑलरेडी हमारे पास थी जिसको हमने एडजस्ट कर दिया, तो कॉल्स इन अरियर कितना हुआ, सिर्फ 1,000। आई चीज़ समझ में, तो कैटेगरी वाइज करना है, जैसे यहाँ सेकंड कैटेगरी और होती ना तो उसकी भी हम यही देखते हैं, एडजस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच
अमाउंट इज ड्यू और कॉल इज ड्यू, अलॉटमेंट इज ड्यू, वॉट एवर जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो नंबर ऑफ शेयर्स हम लिख देते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हम कॉजन अरियर निकालेंगे। यहाँ कितना अरियर आया? 1000 का। आपको जनता से लेने कितने अपने शेयर होल्डर से? 10,000। उसमें से 1,000 नहीं मिला, रिमेनिंग 9,000 आपको मिला है। तो एंट्री क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे चीज़ समझ में? ओके, इसके बाद आता है हमारा फोरफीचर के रिलेटेड काम। तो हमें बोला गया है कि शेयर्स को फोरफिट कर लो, अंशों का हरण कर लो, जब्त कर लो। कितने शेयर? एक्स के पूरे के पूरे 100 शेयर्स। तो अभी यहाँ पर पूरा 100 कॉल्ड अप है। एंट्री क्या की? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया ₹10,000 से। क्यों? क्योंकि 100 शेयर है 100 वाले, तो देन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। टू क्या अरियर में रहा आपका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अरियर में रहा कितना? 1000। टू शेयर फोर फीचर, रिमेनिंग आपका बैलेंस चला गया फोर फीचर अकाउंट के अंदर। अब नेक्स्ट हमें बोला है ये सारे शेयर्स जो 100 है ना, वो वाई को रीइशू भी करने हैं। कितने रेट पे? तो ₹50 की रेट पे। फुल्ली पैड अप यानी कि 100 का शेयर 50 की रेट पर इशू किया है। एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा? 100 शेयर पर ₹50। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है ना रीइशू पर, कितना दिया? 50 का एक शेयर पर, तो 100 शेयर पर ये 5,000 से एंट्री हुई। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल तो पूरी गई, 100 वाले 100 शेयर्स गए, देन मीन कैपिटल इशू कितनी हुई आपकी? 10,000 की। तो इस तरीके से एक बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 एंड 10,000। इस तरीके से हमने रीइशू की एंट्री करी। एक और चीज़ कि जब भी आप रीइशू करते हैं उसके बाद शेयर फोर फीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस बचता है वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल, तो हम कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कहाँ से आई? तो देखो 9,000 आपके पास टोटल क्रेडिट हुआ, उसमें से 5,000 यूटिलाइज हो गया, रिमेनिंग 4,000 हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया अपने कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने बीच में छोड़े हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। कैसे करना है? तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से काफ़ी इजी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ एक्सेस पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को डिस्कस करके वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 5th वाला 4th वाला आप खुद करेंगे। ओके, एक बार इसे नोट कर लो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे बुक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स है। सबके लिए हमें क्या करना है? गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड रीशो ऑफ शेयर्स, अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन के लिए हमें लेखा प्रविष्टियाँ देनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि पी लिमिटेड ने ₹10 वाले 1,000 अंशों पर ₹7 मांगे। वेट, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1। बोला गया है क्वेश्चन में कि पी लिमिटेड ने ₹10 वाले 1,000 अंश जिन पर ₹7 मांगे गए हैं उन्हें 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था और प्रीमियम आवंटन के साथ देता। तो हुआ क्या है? कंपनी ने 1,000 शेयर्स है ₹10 वाली 7 तक कॉल्ड अप कर रखा है, वो ₹2 पर शेयर के प्रीमियम के हिसाब से इशू करे गए थे। 20% प्रीमियम है ना, तो 20% ₹2 का हो गया, तो ₹2 के प्रीमियम पर इशू थे और वो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ पेबल था। ओके, इनको ₹2 प्रति अंश प्रथम मांग न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिया गया। इनको फोरफिट किया क्यों? क्योंकि इन पर ₹2 पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। फाइन, इनमें से 600 अंश ₹7 प्रदत्त मानते हुए ₹4 की रेट पर रीइशू किए गए। आपने कितने शेयर फोरफिट किए? 1,000। रीइशूड कितने? 600। ओके, आपको डिटेल्स दे रखी है क्वेश्चन में। अब हमें इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी। तो सबसे पहले हम फोरफिट करने के लिए एंट्री करेंगे। फोरफिट करने का मतलब कैपिटल अपने पास वापस आएगी। कैपिटल एक तरीके से जो इशूड थी वो अब इशूड नहीं रहेगी, उसको कैंसिल करना है एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, करेंगे ना। तो एंट्री में क्या करेंगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ मैंने बार बार बोला है आप लोगों को कि ये डेबिट उतनी ही अमाउंट से होगा जितनी आपकी कॉल्ड अप है, एंड कॉल्ड अप है कितनी? ₹7 पर शेयर। देन हमने एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स ₹7 पर शेयर के हिसाब से।
फिर हम टू में लिखते हैं कॉल्स इन अरियर। अब यहाँ पे प्रीमियम भी था तो मैंने कहा था कि प्रीमियम अगर रिसीव नहीं हुआ तो उसको डेबिट करते, लेकिन प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ था और आपने शेयर्स फोरफिट किए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, मतलब अलॉटमेंट का तो हो चुका है और जब अलॉटमेंट पे हो चुका है दैट मीन्स आपका प्रीमियम भी रिसीव आ गया, आपके पास आ चुका है प्रीमियम, तो हमें प्रीमियम लिखने की नीड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अरियर कौन सा है आपका? फर्स्ट कॉल, तो हमने लिखा टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपये की, 1000 शेयर पर 2000 रुपये, रिमेनिंग अमाउंट आपका शेयर फोरफिचर में चला गया। देन आप री इशू करेंगे, 600 शेयर री इशू करने, ₹7 पेडअप मानकर 4 रुपीज में। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि आपने 7 रुपये पेडअप मान लिया, मतलब आपने मान लिया कि उस पर्सन से हमें 7 रुपये मिल गए हैं, लेकिन आपने उसे लिया कितना? सिर्फ 4। 10 का शेयर 7 तक माना, 4 में दिया, पैसा मिलेगा कितना? 4 रुपये। कैपिटल जाएगी कितने की? 7 रुपये की, 3 रुपये डिस्काउंट। और जो वो बचे हुए 3 रुपये, क्योंकि आपने 7 में ही इशू किया है ना, 7 तक ही तो पेडअप माना है, शेयर तो 10 का है, तो वो 3 रुपये तो वो तो अनकोल्ड कैपिटल है। जब रिमेनिंग शेयर होल्डर से आप अपने सेकंड कॉल करोगे तब उनसे भी मांगा जाएगा, सिंपल। बाकी शेयर्स के बराबर ले आए आप इन्हें, तो हमें करना क्या है? 7 की ही कैपिटल इशू करनी है, लेकिन 4 पर एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स? 600 शेयर, 600 into 4, क्यों? क्योंकि 4 रुपीज़ तक आपने लिए हैं ना उनसे, तो 600 into 4 ये आपको रिसीव हुए कितने? 2400। कैपिटल शेयर फोरफीचर आपका डिस्काउंट कितना? 3 का। कैसे? 4 में आपने दिया, 7 तक माना है, दैट मीन्स 3 रुपये का डिस्काउंट, ये ₹3 यहाँ पे आएगा, 3 into 600। इसको हम वैसे ये बैलेंसिंग फिगर भी लिखा जा सकता है, 3 into 600। 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल कितने की गई, कितनी इशू हुई? ₹7 के हिसाब से 600 शेयर्स, दैट मीन्स 4200 की आपकी कैपिटल इशू हुई। समझ में आई इशू की एंट्री? तो एंट्री हमने करी है बैंक अकाउंट डेबिट 2400, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 1800, 2 शेयर कैपिटल ये हमारी हो गई 4200 की। इसके बाद हमें फाइनल एंट्री करनी होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये वाली जो एंट्री हम करते हैं ना, इस एंट्री को करने के लिए क्वेश्चन में कभी बोला नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर शेयर्स री इशू हुए मतलब ये एंट्री तो 100% क्वेश्चन के अंदर करनी ही करनी है। क्या एंट्री करनी है? शेयर फोरफीचर के बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, लेकिन सिर्फ उन शेयर से रिलेटेड अमाउंट जो कि री इशू हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कुछ शेयर्स आपने री इशू किए तो पहले तो उनसे रिलेटेड फोरफीचर के अमाउंट निकालो, फिर उसमें से आप देख लो कि आपने डिस्काउंट कितना दिया है या वो सब कुछ, और फिर रिमेनिंग को ट्रांसफर करो। जो शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं उनसे रिलेटेड फोरफीचर के अमाउंट कहाँ रहती है? शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफीचर अकाउंट के अंदर ही रहती है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट में ऐड करके दिखाई जाएगी। बोला है मैंने बहुत बार, एक क्वेश्चन में हमने किया भी है ये, तो अभी आपने री इशू किया है ना तो फोरफीचर के अकाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी। कितनी? नोट बनाया, अमाउंट क्रेडिटेड टू फोरफीचर अकाउंट ऑन 1000 शेयर्स, कितना क्रेडिट किया? 5000। अब हम निकालेंगे उन 600 शेयर्स, क्योंकि हमें 600 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता करनी, तो 600 शेयर्स पर कितना अमाउंट हो जाएगा? तो 5000 upon 1000 into 600, ये 3000। 3000 आपके पास अवेलेबल था, ये मैक्सिमम अलाउबल डिस्काउंट होता है कि आप अपने शेयर्स को रीइशू करते टाइम 3000 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकते थे इन 600 शेयर्स पर। आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 1800 का, देन यूटिलाइज कितना हुआ? 1800, रिमेनिंग 1200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आई चीज़? तो ये वाला नोट हमें तभी बनाना है जब सारे शेयर्स आपके रीइशू नहीं हुए हो। सारे शेयर्स रीइशू हो गए तो वैसे ही शेयर फोरफीचर का बैलेंस देख लो, क्योंकि सारा का सारा तो अवेलेबल ही था। इन 600 के लिए आपके पास अवेलेबल कितना अमाउंट था डिस्काउंट के लिए? 3000, उसमें से आपने 1800 यूटिलाइज किया, रिमेनिंग 1200 आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है इसी क्वेश्चन का, देखो क्यू लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1000 अंश जिन पर 7 रुपये मांगे गए इन्हें 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था और प्रीमियम आवंटन के समय दे था। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है यहाँ तक, तो इनको आवंटन पर देय राशि 4 रुपये प्रीमियम सहित और 2 रुपये प्रथम मांग पर देय राशि न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिया गया। डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में? तो आपका प्रीमियम तो दे रखा था, क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पेड था, सिर्फ फर्स्ट कॉल अरियर में। इधर फर्स्ट कॉल के साथ साथ अलॉटमेंट भी अरियर में, अलॉटमेंट अरियर में मीन्स प्रीमियम भी अरियर में, मतलब आपकी फोरफीट करने वाली एंट्री के अंदर प्रीमियम डेबिट होगा। मैंने कहा था ना कि प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ हो तो प्रीमियम डेबिट होगा, क्लियरली लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ मतलब सिंपल प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं हुआ। तो एंट्री जब हम करेंगे फोरफीट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 रुपये के हिसाब से पेडअप है, अभी तक 7 ही पेडअप है, बोला गया 7 रुपये मांगे गए, 1000 शेयर 7 रुपये के पेडअप। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 2 पर शेयर, 20% प्रीमियम, 10 रुपये के शेयर पर 20% प्रीमियम, मैंने 1 शेयर पर 2 रुपये का प्रीमियम, तो 1000 शेयर पर 2000 का प्रीमियम डेबिट किया क्योंकि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है।
टू अरियर में दो इंस्टॉलमेंट्स है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट को हमने किया टू शेयर अलॉटमेंट, 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स पर, और इसी तरह फर्स्ट कॉल पर रुपीज़ 2 पर शेयर के हिसाब से 2000 हो गया। डिफरेंस वाला अमाउंट आपका कहाँ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट का। तो नॉर्मल से हमारी एंट्री हो गई ये वाली। फिर री इशू करना है, तो री इशू के लिए क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से 600 शेयर रुपीज़ 8.5 प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्गमित किया गया। 600 शेयर्स को री इशू किया फुल्ली पेडअप मानकर, यानी पूरी 10 रुपये की कैपिटल इशूड है, लेकिन रुपीज़ 8.5 पर किया, मतलब 1.5 का डिस्काउंट दिया। बहुत सिंपल, यहाँ 7 तक पेडअप माना था ना, इसलिए हमने कैपिटल 7 से इशू करी थी। यहाँ आपने रुपीज़ 10 तक पेडअप माना है, इसलिए हम 10 पर कैपिटल इशू कर। एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री तो सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आएगा, 8.5 रुपए के हिसाब से 600 शेयर्स पर 5100। डिस्काउंट कितना दिया, तो 1.5 के हिसाब से 600 शेयर्स पर ये आपका डिस्काउंट हो गया 900। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल आपकी कितनी इशू हुई है, 10 रुपये की पूरी, 600 शेयर्स 10 रुपये, ये 6000 रुपये की कैपिटल इशू। अब देखते हैं शेयर फोर फ्यूचर में ट्रांसफर होगा कितना।